भारतीय जनसंख्या के अनुपात में अनाज फल और सब्जियों की पैदावार को लगातार बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई तरह के तकनीकी उपायों की शुरुआत की है। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में तकनीकी उपायों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से भारत में औद्योगिक विकास को भी बल मिला, जिससे कृषि को व्यापक पैमाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का और भी मजबूत हिस्सा बनाया जा सके। किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्या के निदान के लिए तकनीक का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया गया। सिंचाई के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल इसका उदाहरण है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी की वजह से कभी खेती करना नामुमकिन नजर आता था, वहां तकनीक के इस्तेमाल से खेती को मुमकिन बनाया गया। तकनीक और कृषि को साथ जोड़ने की शुरुआत भारत में एक पैकेज प्रोग्राम की शक्ल में 1966 में नई कृषि रणनीति के तहत की गई थी। आज तकनीक से जहां कृषि उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, वहीं कृषि की बदौलत कृषि तकनीकी उपकरणों की भारत में एक अलग इंडस्ट्री भी आकार ले चुकी है। कृषि में तकनीक के समावेश से भारत में उच्च उपज देने वाले कई किस्म के बीजों, फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का उत्पादन शुरू हुआ। इन उपायों को पहले भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू उत्पादन क्षमता के भीतर अमल में लाया गया, फिर जरूरत को देखते हुए कृषि नीति में आयात पर भी ध्यान दिया गया, जिससे भारत में भी विकसित और विकासशील देशों में अपनाए जाने वाले तकनीकी उपकरणों को भारतीय किसान तक पहुंचाया जा सके। विज्ञान और तकनीक के साथ सोशल इंजीनियरिंग के तालमेल से जल संरक्षण और सदाबहार झीलों का उत्थान संभव हो सका। हार्ड रॉक ड्रिलिंग तकनीक, रिमोट सेंसिंग और साधारण पानी पंपों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पीने के पानी को सुचारू बनाया गया। वैज्ञानिक उपायों से ग्रामीण ऊर्जा तंत्र को बड़ी कामयाबी मिली है। बायोगैस और सौर ऊर्जा इसके अहम उदाहरण है। तकनीक के कृषि क्षेत्र पर दूसरे अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं, जिनमें खेती से जुड़े लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मलेरिया, टीबी जैसी अनेक बीमारियों के लिए देश में ही सस्ती दवाइयों का निर्माण करना है। फूड कम फोर्टिफिकेशन अप्रोच से पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए आज बहुत कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हैं। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल का ही नतीजा है कि आज भारत कृषि उत्पादन में स्वावलंबी देश है, और कभी अनाज का आयात करने वाला भारत आज अनाज का नेट निर्यातक बन गया है।